हेलो गाइस, आज के वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे निक वॉकर की, बिग रैमी, माइकल क्रीज और डेक्स्टर जैक्सन और भी बहुत सारे एथलीट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे इस वक्त के सबसे हाइप्ड अप एथलीट माइकल क्रीजो के बारे में, जो इस वक्त अपने प्रो क्वालिफायर से सिर्फ 1 वीक आउट है। और माइकल क्रीजो का वेट है इस वक्त 130 किलो, यानी कि लगभग आपके 286 पाउंड्स। और इस कैप्शन में इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये एम्प्टी है, यानी कि कार्ब इनटेक इनका बिल्कुल ना के बराबर है और इसीलिए काफी फ्लैट लग रहे हैं। इनके ग्लाइकोजन स्टोर्स भी बिल्कुल डिप्लीट हो गए हैं क्योंकि अब ये पीक वीक स्टार्ट कर रहे हैं। बट गाइस, ये एक पार्ट है इस गेम का और फ्लैट स्टेज पर ये बहुत स्ट्राइटेड लग रहे हैं अगर आप इनके इनर चेस्ट को देखेंगे। एंड आई थिंक टोर्सो तो एक फॉर्मेलिटी की तरह लग रहा है, विच मोस्ट प्रोबेबली ही इज गोइंग टू विन। बट दिक्कत माइकल के लिए आएगी प्राग प्रो में, क्योंकि वहां पर कई बड़े नाम जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं करा है कैन अपियर एंड कम्पीट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे कि ब्रैट विल्किन, जो इस वक्त रोमानिया के लिए प्रेप कर रहे हैं और रोमानिया और प्राग प्रो में सिर्फ 1 वीक का डिफरेंस है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो वहां पर कम्पीट करें। और साथ ही जेम्स हॉलिंगसाइड ने भी पास में कह रखा है कि वो प्राग प्रो कर सकते हैं। तो गाइस, प्रो कार्ड तो माइकल को मिलना पॉसिबल लग रहा है, बट ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना माइकल के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट में बात करेंगे हमारे 2008 के मिस्टर ओलंपिया डेक्स्टर जैक्सन के बारे में, जो रिटायर हो चुके हैं और हेल्दी रहने के लिए डाउनसाइज भी कर चुके हैं। इस नए पोस्ट में हम देख सकते हैं इनको आर्म्स ट्रेन करते हुए और ये काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी हेल्दी यहाँ पर। और ये बता रहे हैं कि इस वक्त ये 205 पाउंड के आसपास है और इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये 20 साल के हैं। तो ऐसी अपडेट देखने में गाइस मजा तो आता है, और हमारे पुराने चैंपियन जब इतना हेल्दी फील करते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन साथ ही एक थोड़ा सा बुरा भी फील होता है क्योंकि वो एरा, जो पुराना टाइम था बॉडी बिल्डिंग का, वो खत्म हो चुका है। अभी कुछ टाइम पहले ही जब बिग रैमी से पूछा गया था कि उनके अलावा अगर उन्हें टॉप 3 बताने हो, तो रैमी ने इसके आंसर में चूज करा था विलियम, ब्रैंडन और हार्डी को। और अभी रिसेंटली ही डेनिस जेम्स शो में जब रॉनी कॉलमैन, द ग्रेटेस्ट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, से सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो रॉनी का जवाब था ब्रैंडन, रामी एंड हार्डी। तो गाइस, लगता है एक म्यूचुअल फीलिंग बन गई है क्योंकि अब रैमी और रॉनी कॉलमैन दोनों ने यही टॉप 3 दिए हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रयू जैक के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर आर्नोल्ड क्लासिक का एक वीडियो पोस्ट करा, जिसके डिस्क्रिप्शन में एंड्रयू ने रीजन बताया कि वो क्यों 100% नहीं थे इस शो में, कि मैं इतना अच्छा नहीं था जितना मैं आना चाहता था और इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन था, और वो ये था कि वो अपनी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे और वो जानते थे कि उनका टेक्सास प्रो वाला पैकेज ही काफी है शो जीतने के लिए, और उनके हिसाब से अब वो अपना बेस्ट ओलंपिया में दे सकते हैं। और साथ ही उनके वीजा का प्रोसेस होने में भी टाइम लग गया था और इसी वजह से उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी लैग कर गई। तो गाइस, अब ये कोई बहाना है या सच में ऐसा ही है, कुछ कह नहीं सकते, बट आई थिंक ये लॉजिकल लगता है कि अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तो इट्स बेस्ट कि आप थोड़ा स्ट्रेस कम दो अपनी बॉडी को एंड सबसे बड़े स्टेज के लिए अपना बेस्ट बचा के रखो। नेक्स्ट अपडेट है 11 वीक्स आउट इयान वलेर की, जो इस बार ओलंपिया में अपनी टेक्सास प्रो की कंडीशनिंग लाना चाहते हैं और भी ज्यादा मसल मास के साथ। इस न्यू पोस्ट में इयान बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहे हैं और इयान उन कुछ एथलीट्स में से हैं जो पूरी तरह से श्रेडेड और पील्ड होकर आना जानते हैं स्टेज पर, और ये पहले भी कई बार ये कर चुके हैं। लास्ट ईयर इयान की 7th प्लेसिंग आई थी ओलंपिया में, और इस बार तो डायरेक्ट और एंड्रयू जैसे और भी एथलीट्स ऐड हो गए हैं, तो इयान कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए उन्होंने इस साल लास्ट ईयर की तरह एक के बाद एक शोज नहीं करे और सारा टाइम अपनी फिजिक को अच्छी तरह से स्टैक और मसल मास इंक्रीज करने में लगा दिया, एंड जो क्लियरली विजिबल भी है यहाँ पर। अब मैं ले आया हूँ आपके लिए बिग रैमी की लेटेस्ट फिजिक अपडेट, और अभी इन्होंने ऑफिशियली डाइट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई थिंक इन्हें डाइट करते हुए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये हार्ड दिखना शुरू हो गए हैं। इनके डेल्ट्स यस अभी भी सस्पिशियस लग रहे हैं, बट गाइस, जब तक कुछ क्लू नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस अपडेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रैमी की बैक की कंडीशनिंग, एक क्रिसमस ट्री की तरह से आ रहा है इनकी बैक पर, और अब तक हमने ऐसा कुछ इनकी प्रोग्रेस वीडियोस में देखा नहीं था, बट जैसे इन्होंने डाइट स्टार्ट करी ये सरप्राइज कर देने वाली बात है कि इनका बॉडी फैट इतनी तेजी से नीचे जा रहा है। और रैमी की बैक को देखकर लग रहा है कि डेफिनेटली रैमी और उनके कोच ने इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई करा है, शायद ज्यादा डेडलिफ्ट या फिर ज्यादा रैक पुल्स या फिर कुछ नया, बट डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, क्योंकि पहले बिग रैमी के साथ ये इशू रहा है और किसी भी बैक पोज में उनकी लोअर बैक कभी भी सुपर ड्राई और लीन नहीं हो पाती थी और ये काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होते थे इस बात के लिए। और अब यहाँ क्लियर इंप्रूवमेंट्स दिख रही हैं, अगर आप इनके ट्रैप्स भी देखेंगे तो वो काफी ऊपर से ह्यूज लग रहे हैं और यहाँ ये ऑलरेडी ड्राई लग रहे हैं, जबकि रैमी ने डाइटिंग जस्ट स्टार्ट ही करी है। एंड फॉर 11 वीक्स आउट ये काफी अच्छे कंडीशन है और मुझे क्लियरली नहीं लगता कि रैमी इस ईयर बीट करे जा सकते हैं। बाकी इस बारे में आपकी ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है हसन मुस्तफा के बारे में, जो इस वक्त अपने सेकंड ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं और हसन का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि इस साल हसन ऑलरेडी 2 बैक-टू-बैक शोज जीत चुके हैं और लास्ट ईयर यही क्वालिफाई करने के लिए इनको 6 शोज करने पड़े थे ताकि इनके पास क्वालिफाई करने के लिए जितने चाहिए उतने पॉइंट्स जमा हो जाएं। और ये लेटेस्ट अपडेट जिसमें ये 11 वीक्स आउट हैं यहाँ काफी ह्यूज लग रहे हैं, और अपने इंस्टा हैंडल पर जो लेटेस्ट अपडेट इन्होंने डाली है वहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये काफी क्रेजी कंडीशनिंग में लग रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त वास्कुलरिटी और वेंस ही वेंस, बट आई थिंक ये अपडेट इनकी लेटेस्ट नहीं है। एनीवेज, क्या हसन टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे इस बार के ओलंपिया में? मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है इस बार के ओलंपिया के लाइनअप को देखकर, जो बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है। यस, हमने
ओरलैंडो प्रो में हसन की बेस्ट कंडीशन देखी थी, बट हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि उन दोनों ही शोज में कोई भी बड़ा नाम नहीं था। तो ये देखना मजेदार रहेगा कि इतने स्टैक्ड अप लाइनअप पे हसन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट में निक वॉकर ने मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए एक फुल फिजिक की पिक पोस्ट करी है। यहाँ निक काफी टाइट और मैसिव लग रहे हैं। ऑब्वियसली निक ने और भी ज्यादा मसल पुट ऑन कर लिया है इस साल, बट इस पोस्ट के बारे में जो चीज इंट्रीगिंग है वो ये गाइस कि अगर आप इस फोटो को क्लोजली देखोगे तो इसका कैप्शन है होम, और अगर आप ऊपर रिफ्लेक्शन में देखोगे तो आपको दिखेंगे मैट जेनसन निक की पोजिंग देखते हुए। और लास्ट ईयर के ओलंपिया के बाद निक ने अपना कोच चेंज कर लिया था और मैट जेनसन को ट्रेन नहीं कर रहे थे। तो जो गाइस पता लगा था वो ये कि निक चाहते थे कि मैट जेनसन सिर्फ उनको ही कोच करें, जबकि मैट दूसरे एथलीट्स को भी कोच करते थे, बट दे पार्टेड वेज ऑन गुड टर्म्स एंड अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं ओलंपिया प्रेप के लिए। क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे तो टॉप कमेंट है मैट जेनसन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि देयर इज सम वर्क टू बी डन, और आई थिंक ये वर्क साथ ही करा जाना है क्योंकि अदरवाइज निक फिर से रिवाइव जिम में जाकर ट्रेन करेंगे और पिक में मैट जेनसन, पोस्ट का कैप्शन होम एंड लास्टली मैट का कमेंट इस पोस्ट पर। ये सारी बातें यही इंडिकेट करती हैं क्योंकि गाइस कोई कोच क्यों कमेंट करेगा अपने एक्स एथलीट के पोस्ट पर, वो भी इस तरह का, और यहाँ तो कई सारे एविडेंस हैं। तो यस, ऐसा लगता है स्ट्रांगली एंड सून शायद ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाएगा, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैट ही है जिन्होंने निक को आर्नोल्ड क्लासिक जितवाया लास्ट ईयर और हेल्प करी लास्ट ईयर टॉप 5 में प्लेस करने में। तो प्रोफेशनली जो भी ये लोग कर रहे थे दैट वॉज क्लियरली वर्किंग, और अगर इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा उसमें चेंज करा होता और निक पहले से ज्यादा टाइटर और शार्पर आए होते तो निक की प्लेसिंग और भी इंप्रूव हो सकती थी। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।